आप सभी को नमस्कार। उसके बाद में बात करूं मिस्टर अनुसर की, तो मैं उनको जानता नहीं था और ना कभी मिला था और ना कभी उनको देखा था। अपने जीवन को मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया था गाड़ी लाइन से। मैं ड्राइवरी किया करता था और पढ़ाई किया करता था। उस बीच में मोबाइल पे सभी लोग फेसबुक चलाते हैं और मैं भी चलाता था, टाइम पास करता था। जब मैं खाली बैठता था फेसबुक पे समय बिताता था और उसी फेसबुक पे हमारी और अनुसर की दोस्ती हुई। अनुसर ने हमसे एक ही सवाल किया था, विपिन जी क्या करते हो? तो मैंने बताया कि सर पार्ट टाइम में किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ प्लस गाड़ी भी चला रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जिंदगी कैसे चल रही है? मैंने बोला बहुत अच्छी चल रही है। और सभी बोलते हैं कितना भी खराब हो आज तक कोई ये नहीं बोला कि जिंदगी बहुत खराब है, सही बात है? यस या नो? उन्होंने बोला बहुत अच्छा सर, ग्रेट, आगे दोबारा मिलते हैं सर, मिलके काम करते हैं। इन्होंने पैसा हमारे से नहीं मांगा, लेकिन हम गए बैठ के वहां बातचीत हुई। हमने बोला सर जो आप दवाई दिए थे वो दवाई कितने की थी? इन्होंने बोला 3112 रुपए की। हमने कहा सर हम आपको पेमेंट कर देंगे, 1 से 2 दिन का टाइम दे दो, हम पेमेंट कर देंगे। बोले सर पेमेंट की बात है, आप काम हमारे साथ कर लो, पेमेंट तो आती जाती रहेगी। और मैं सुराव सेंटर पे अपना सेंटर चला ही रहा था, हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति का फोन जाता है जिनसे मिलने के बाद दोस्त हमने निर्णय ले लिया कि अब हम अपनी इस कंपनी को छोड़ेंगे और इसमें काम करेंगे। और दोस्तों किसी और से मुलाकात नहीं हुई थी, मिस्टर अजीज सर से हुई थी, जोरदार ताली हुई थी। और दोस्त इस बात का घमंड नहीं है, इस बात का घमंड नहीं, कभी मैंने देखा था छत को छत होने का बहुत बड़ा गुरूर था, साला एक मंजिल उठी फर्श बन गया, एक मंजिल उठी फर्श बन गया। पहले उन लोगों को बहुत गुरूर था कि हमारे नीचे अच्छे अच्छे टीम काम कर रही है, अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर हम इन्हें क्वालिटी नहीं देंगे, इन्हें हम स्टेज नहीं देंगे, इन्हें मौका नहीं देंगे, एक ना एक दिन ये अपना कहीं ना कहीं हुनर निकालेंगे। और दोस्त मेरे अंदर थी वो पावर, मेरे अंदर था वो बल, मेरे अंदर थी वो इच्छा शक्ति, मैं करना चाहता था बड़ा, लेकिन रोका जाता था, मना किया जाता था, विपिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। उसके बाद दोस्त मैं अनुसर से मिलने के बाद मेरे अंदर आग लगी कि अब बड़े बड़े सपने देखना और जिंदगी में बदलाव करना है। जो सारा काम मैंने साइकिल से स्टार्ट किया था, जिसमें लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, जिन लोगों ने बोला था जिंदगी खराब हो जाएगी, और दोस्त साइकिल से बिजनेस करना शुरू किया था, एक बाइक आई और दोस्तों एक कार भी अपने पास आई। सारा बोले थे कुछ नहीं होगा, 5 लाख 30 लाख की क्यों कार बाहर खड़ी दोस्त? सिर्फ और सिर्फ विश्वास के कारण, अगर विश्वास नहीं हुआ होता तो कुछ नहीं होता। लोगों ने मोटिवेट किया था, मैं मोटिवेट पे काम करते चला जा रहा था, और यहाँ तक कि दोस्त अपने रिश्तेदारी में भी रिश्ते खराब कर दिया। लोग वहां पे ज्वाइन करने को बोलते थे, मैं ज्वाइन करता था, तो लोग मुझे जो समझाते थे मैं उसी पे काम करता था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने काम जोश में किया था। जब यहाँ पे आया तो सर ने बोला जोश में नहीं, गाइड से लेके काम करना ताकि कभी रिश्ते खराब ना हो। यहाँ भी ऐसी ऐसी दिक्कतें आई थी जहाँ पे रिश्ते खराब हो सकते थे। जब मैं यहाँ पे 6 रैंक कम्प्लीट कर लिया तो उस दिन मैंने कसम खाया था, ऐसे प्रोग्राम हुआ था, ऐसे प्रोग्राम में मैंने कसम खाया था कि दोस्त अगले 6 महीना के बाद हम अपना 7वां रैंक कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से कुछ ऐसे बंधु भाई थे हमारे जो बोले थे यार ये जोश में बोल दिया, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं बदल पाएगा, ये जोशीला है और बोल दिया। लेकिन दोस्त मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और आपको बताएं जब हम काम करते थे तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम काम को करते चले गए। और दोस्त वो दिन आया, लोग जो बोले थे कुछ नहीं हो पाएगा, 7वां रैंक भी कंप्लीट हुआ और 1 हफ्ते का चेक निकल गया था 2,36,000 रुपया निकल गया, 2,36,000 रुपया। और उसके बाद कंपनी के कई सारे टारगेट आए, वो भी मैं पाया, लेकिन अपनी जिंदगी के एक सपने थे जिसको मैं सजो करके नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया था। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था तो इंसान ने मुझे बताया था कि विपिन टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम यहां मिलता है और आपको देश विदेश की यात्रा मिलती है। और उस सपने को लेकर के मैं 4 साल काम किया था वहां पे, और ना तो टाइम फ्रीडम मिली और ना मनी फ्रीडम मिली, ना देश विदेश की यात्रा मिली। इवन मेरी मम्मी यहाँ से कई बार मुझे बोली, जबकि मैं वहां से पैसे कमाता था और कमा करके घर में देता था, लेकिन मेरी मम्मी संतुष्ट नहीं थी। कई बार बोली इस काम को छोड़ दे बच्चा, इस काम को छोड़ दे, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग जलन करते हैं, इस काम को छोड़ दे। और जहां भी देखो तुम्हारी चौराहे बुराई होती है, फलाने लड़के फंसाने वाला काम करता है, फंसाने वाला काम। मैंने बोला तुम लोग नहीं समझोगे, मुझे करने दो, एक दिन आएगा जब सब समझ जाएंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं समझा। इस काम को शुरुआत किया, जब इस काम को शुरुआत किया ना, मैंने 1-2 लोगों को बताया था, इवन अपनी मम्मी को बताया भी नहीं कैसे कंपनी का प्लान देना कैसे बताना है। मेरी मम्मी जब गांठ की दवाई से ठीक हुई ना तो अपने मित्रों के पास जब बैठी थी, अपने हमजोलियों के पास बैठी थी, बताती थी मेरा लड़का ना ऐसा काम करना, अगर वहां से ये दवाई पी ले तो भी ठीक हो जाएगी, और लोग मंगा मंगा के पीना शुरू कर दिए। आप सोच के देखो, जहां पे मेरी मम्मी बोलती थी काम छोड़ दे छोड़ दे, इस काम में उनको खुद में इंटरेस्ट आ गया, दवाई लोगों को पिलाना शुरू कर दी। सफलता नहीं मिल रही है, मैं सफलता से बहुत परेशान हूँ और मैं कई जगह प्रयास कर चुका, मुझे सफलता नहीं मिलती। तो बोला बेटा तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा प्रकोप है,
और उस प्रकोप को हटाने के लिए एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोला बताओ बाबा जी। बोला कि आपको अमावस्या की रात को शमशान घाट जाना होगा और वहां से मिट्टी लाना होगा। उसका मैं ताबीज बना के दूंगा, अगर उस ताबीज को अपने गले में धारण करेगा तो सफलता तेरे पास जल्दी जल्दी आएगी। बोला बस इतनी बात। बोला हाँ बच्चा। बोले ठीक है गुरुजी, हम कर देंगे। बोला ठीक है। अमावस्या आई और वो इंसान गया, वहां से मिट्टी लेके आया, बाबा जी के चरणों में रख दिया। बोला बाबा जी ताबीज बना के दीजिए, मुझे पहनना है, सफलता लेनी है। उसने बोला ताबीज तो बना के हम तुम्हें दे देंगे, ये बात की बात है, लेकिन पहले एक बात मुझे बताओ, जब तुम शमशान घाट जा रहे थे रात में, क्या एकदम से तुम्हें शमशान घाट दिखाई दे रहा था? बोला नहीं बाबा जी। फिर बोले कैसे गया? बोला मैं एक कदम आगे जाता था तो थोड़ी दूर दिखाई देता था, फिर आगे जाता फिर दिखाई देता, फिर आगे जाता फिर दिखाई देता, ऐसे ऐसे मैं शमशान घाट गया और मिट्टी लेकर के वापिस आया। बोला सफलता का मंत्र कुछ और नहीं है बच्चा, यही है, जैसे तू शमशान घाट एक कदम आगे गया तो दिखने लगा, वैसे तू काम कर और काम करके टीम बना, पहले फर्स्ट लेवल लेगा, फिर सेकंड लेगा, फिर थर्ड लेगा, एक समय आएगा जब तुम्हारे 18वें लेवल भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक एक कदम करता जा तू, और सफलता एकदम से एक बार में नहीं दिखती, कदम कदम चलने पड़ते हैं। और वो हमारे अंदर था दोस्त, लोग आए थे हमारे साथ, एकदम से चाहते थे फटाफट अमीर बनना, नहीं हो पाया, पेशेंस नहीं था, नहीं हो पाया, और हमने काम किया। बोला सर मेरे समझ में नहीं आता, आते हैं और लोग चले जाते हैं, आते हैं लोग चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे लोग टिकेंगे। उसने बोला अच्छा एक बात बता, दूध को देखा है? बोला हाँ देखा है। बोला उसी दूध को कुछ देर तक लोग जो है रखते हैं, एक दो दिन के बाद वो खराब हो जाता है, यानी फट जाता है, सही बात है? सही बात है, ज्यादा दिन तक दूध चलता नहीं, लेकिन उसी दूध को थोड़ा सा प्रक्रिया कर दें, थोड़ा सा गर्म कर दें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, और वो दूध 4 से 5 दिन चल जाता है दही रूप लेकर के, सही बात है? सही बात है। फिर एक इंसान बोला कि उसी दही को थोड़ा सा और मत दें, थोड़ा सा और तक लिपटा, उसमें से घी निकलता है जो सालों साल चलता है। ऐसे ही टीम में लोग आएंगे, कुछ दूध की तरीके से चलेंगे, कुछ दही की तरीके से, लेकिन मथते मथते जो उसमें से रुकेगा, जो टिकेगा, वही होगा सफल इंसान, वही होगा सफलता पाने वाला इंसान। आपको आप किसमें अपने आप को रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर लागू होता है। आप दूध बन के रहना चाहते हैं कि दही बन के रहना चाहते हैं कि घी बनना चाहते हैं, ये कोशिश आप करना। और दोस्त उसने एक बात और लास्ट में बोला कि ये जो घी होता है सालों साल तो चलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसे किसी आग में डाल दिया जाए, इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। वैसे एक लीडर होता है जब सफल होता है, अपने लोगों को केयर करता है, तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। आपको टिके रहना होगा, आपको रुके रहना होगा और काम करते रहना होगा, एक दिन खुशबू आपकी दूर तक जाएगी, नाम आपका दूर तक जाएगा।